अंदर क्यों जाना चाहता था? कौन हो? अबे किसके लिए काम करते हो? बताया तो है आपको शहजाद साहब से मुलाकात करनी थी। क्यों? ये मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। बकवास कर रहे हो? तू कहेगा और मिल लेगा उनसे? किया क्या मैंने? जबरदस्ती मिलने तो नहीं चला गया ना दीवार फलांग के, इजाजत ही मांग रहा हूं। आप मुझे ऐसे नहीं बिठा सकते यहां पर। ओ, अब तू हमें ये बताएगा कि हम यहां किसको बिठा सकते हैं और किसको नहीं है? अस्सलाम साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूं। साईं इसे छोड़ दें, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है? बैठिए। अरे ये कोई पागल वागल तो नहीं है? नहीं नहीं, बेचारे के पास जॉब नहीं है। मसला ये इसलिए गया था उनके पास, बहुत परेशानी है, बेतहा परेशान है। देखें इसे छोड़ दें, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप इसकी गारंटी लेते हैं तो छोड़ देता हूँ मैं इसे। लेकिन आइंदा ये वहां दिखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जा। ले जा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। हेलो जी सर। सर वो नौकरी के लिए परेशान था, वो जॉबलेस था। जी जी गारंटी ले ली है मैंने। सर जान पहचान का बंदा था। जी 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 सर, मैं बिल्कुल उस पर नजर रखूंगा। जी 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 ओके सर ओके। थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो बारिस। अंकल अगला सीएम वही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ऐसे ही अचानक जाके, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो क्या अपॉइंटमेंट लूं उससे मैं? हाँ मे बी, शायद यही एक बेहतर तरीका हो। और अगर ज्यादा इश्यू उछालना है ना तो मीडिया है, एक काम करो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और उसकी अपनी मां की इज्जत को। यार बारिस ये इतना आसान नहीं है। I'm sorry आंटी, कत्ल का इल्जाम है, 2 बार उम्र कैद। ऐसी औरत को मानेंगे या शहजाद को? क्यों अपने मुंह पे कालक मल रहा है? For God's sake यार अब्बास, कालक मल रहा हूं क्या उतार रहा हूं? सॉरी मगर मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। बारिस बेटा देखो, जो भी करना सोच समझ के करना, कोई बई नहीं कि वो लोग तुम्हें भी जेल में बंद करवा दें। और वहां से बाहर आना हम जैसों के बस में नहीं होता। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, तुम्हें जो करना तुम करो। मुझे चलना है, नूर के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मैं चलता हूँ। अरबाज बेटा आइलिन कैसी है? कैसी होगी? मैं उसको जितना खुश रख सकता हूँ मैं रख रहा हूँ।